हेलो हेलो स्टूडेंट्स यार, फाइनली जो है सीयूईटी पीजी का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। अब जो हम देखेंगे कि सीयूईटी के जो पीजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर में करेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज डोंट टेक एनी एक्शन इन योर फॉर्म, ऐसे जो है आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे करेक्शन विंडो फॉर सीयूईटी पीजी 2022 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया है, फिर से जो एक विंडो खुल चुका है मेरे पास। सो गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फिल कर देना है, देन अपना पासवर्ड डाल देना है, देन जो है ये कैप्चा कोड डाल देना है, देन जो है मैं ये सब डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसे ही मैंने लॉगिन किया है इसके अंदर, तो मेरे पास देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म और डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, ठीक है। तो जो है हम करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्लिक करेंगे, तो चलिए जैसे देखते हैं क्लिक करने के बाद क्या शो करता है मुझे। तो यार मैं अब आउट ऑफ स्टेशन था, तो किसी बच्चे की एप्लीकेशन डिटेल्स मेरे पास आ रही है, तो मैं इसी के अंदर जो है आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे क्या करना है। सो जस्ट जो है आपको अभी करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है, तो हम इसके ऊपर जैसे अभी क्लिक करते हैं तो क्या शो करता है मैं देखो। सो गाइस, मैंने जैसे ही यहाँ पे जो है मेरे को एग्री टू प्रोसीड फॉर करेक्शन पे मांग रहा है, तो मैं इस पे जो है क्लिक कर देता हूँ अब, ठीक है। सर, पहले तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट है, तो आपको पहले जो है इस पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है फाइनल सबमिट पे। अब आपको क्या करना है, अब जो है आपको बेसिकली यहाँ पे जो आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं इन पे जाना है, जैसे पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, सबमिट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, देन फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो जो है अब हम हर इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर जाके देखेंगे कि क्या सारा सीन है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर जाएंगे, तो आप जो है कॉन्टेक्ट डिटेल एडिट नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है कौन कौन सी डिटेल एडिट कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसा कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये जो है इसका जो कलर भी थोड़ा सा देख सकते हो डार्क है, तो इसको हम जो है चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कैंडिडेट का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, देन जब हम फादर्स नेम की अगर देखें तो फादर्स नेम चेंज हो रहा है, मदर्स नेम चेंज हो रहा है, ठीक है, गार्डियन नेम एंड जो भी है, जिस भी ऑप्शन के ऊपर आपको जैसा कि ऐसा थोड़ा सा जो है डार्क दिख रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर तो सारे मेरे को ऑलमोस्ट ऐसा डार्क दिख रहे हैं, यानी कि कॉन्टेक्ट डिटेल में एड्रेस वगैरह में चेंज नहीं कर पा रहा, और जो है ये देख सकते हो जेंडर भी चेंज नहीं कर पा रहे हम, देन जो है फादर्स नेम चेंज कर पा रहे हैं, मदर्स नेम चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज कर पा रहे हैं, स्टेट चेंज कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा चेंज कर पा रहे हैं। जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल में कुछ भी नहीं चेंज कर पा रहे। अब जैसे चलते हैं आधार कार्ड डिटेल के अंदर, तो इसमें क्या सारा सीन है इसमें भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो यार हमारा जो आधार कार्ड है वो ऑलमोस्ट डिटेल सेम है, सही है इसमें, तो इसमें कोई करेक्शन की में है नहीं इश्यू। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर्स एंड डिटेल्स, ये जो है काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या सारा सीन है इसका। सो गाइस, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई फॉर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है सीयूईटी पीजी, देन जो है आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, जैसा कि यहाँ पे जो कोर्स सेलेक्ट किया गया है किसी स्टूडेंट के द्वारा वो PGQ P44 है या फिर अदर जो भी, आप जो है पहले आप ये चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा आपको कोर्स की नीड है, ठीक है। आप जो यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे ना, देन बाद में ही आपसे आप सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी लैंग्वेज भर पाएंगे, विदाउट जो है आप कोर्स के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कोड जो है वो है टेस्ट पेपर कोड, तो आप जो टेस्ट पेपर कोड को बिल्कुल केयरफुली भरें, और कुछ जो है टेस्ट पेपर कोड चेंजेज भी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए ज्यादा टेस्ट पेपर कोड है नहीं, आई थिंक एक स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, तो जो है आप अपने टेस्ट पेपर कोड बेसिकली ढूंढ सकते हैं। सीयूईटी का जो ब्रोशर रिलीज किया गया उसके अंदर सारी की सारी डिटेल दी गई है, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको जस्ट लाइक मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, तो मेरे को जो है सारे के सारे सेंटर अगर राजस्थान में ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ये जो स्टेट है ये सारे के सारे यहाँ पे मैं राजस्थान ही राजस्थान सेलेक्ट कर दूंगा। फिर जो है यहाँ पे जैसे कि किसी बच्चे ने दिल्ली सेलेक्ट किया है, इसमें जो है यहाँ पे एक सेंटर सेलेक्ट किया है दिल्ली, ठीक है। देन जो है हरियाणा इसने सेलेक्ट किया स्टेट, हरियाणा में इसने गुड़गांव सेलेक्ट किया, ठीक है। वैसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ दिल्ली में एग्जाम दूँ, तो आपको दिल्ली में ही देना पड़ेगा, आप चारों में दिल्ली सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे चारों में दिल्ली, देन दिल्ली के अंदर जितने भी सेंटर्स से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सारा सीन है, सब्जेक्ट लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दिया कि पेपर कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको बिल्कुल केयरफुली ध्यान से थोड़ा फिल करिए, ठीक
ठीक है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, बहुत सारे स्टूडेंट ने, काफी लोगों ने गलत भी सेलेक्ट कर दिया होगा पहले, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं। आज 20 तारीख हो चुकी है, 20, 21, 22, ठीक है, 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है, तो जस्ट बेफिक्र रहिए यार, ठीक है, और हम आपके साथ है बिल्कुल। कोई भी इश्यू आता है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। सर जैसे इस बच्चे ने जो है सिर्फ एक टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट कर रखा है, तो जो है यहाँ पे जो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो एक इंग्लिश सेक्शन के लिए, हिंदी सेक्शन के लिए, इसने जो है इंग्लिश सेक्शन सेलेक्ट कर रखा है। क्वेश्चन पेपर जो माध्यम होता है, जो इसने जो बेसिकली क्या कर रखा है, इसने जो है कुछ यूनिवर्सिटियों को जो है इसने हटा रखा है बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटियां हो सके उतनी ज्यादा सेलेक्ट करिए, ठीक है। आपके कोर्स में जितने कॉलेजेज है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, प्राइवेट वालों को तो ना सेलेक्ट करें, इट्स ओके, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप जितनी कॉलेजेज हो सके, ठीक है, आप अगर सारे कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं, देन आई रिकमेंडेड फॉर यू कि आप जितनी सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रही है सबको सेलेक्ट कर दीजिए। अभी तक अगर मैं बात करूं तो 100+ कॉलेजेस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही है सीयूटी 2022 के अंदर, जो कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। ओके, सो आप ऐसा कर सकते हो, सभी को, सभी जितने कॉलेजेज है सारी सेलेक्ट कर दो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट के और भी क्वेश्चन थे। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि भैया जो है मेरे को अपना टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट करना है, और जो अपने मेरे को जो है यूनिवर्सिटी ऐड करना है, घटाना है, तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी को हटाना हो, यार हटाना तो क्यों है, हटाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाद में उसमें अप्लाई मत करना, ठीक है, रहने दो, लेकिन आप ऐड करना जरूरी है। जो यूनिवर्सिटी आप इसमें ऐड नहीं करेंगे ना, उसमें आप एडमिशन के लिए अप्लीकेबल ही नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंडेड फॉर यू कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट जरूर करिए, ठीक है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स चेक करता हूँ, ठीक है। तो यार क्वालिफिकेशन डिटेल्स में तो बेसिकली कुछ था नहीं, आपकी 10th 12th की डिटेल्स हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जाम फाइट किया, ओलंपियाड एंड अदर, आप खेल में बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको भी जरूर फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन में जाएंगे अब हम, ठीक है। तो जो है बच्चे ने जो भी है डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं अपने, ठीक है। आप अगर कोई भी अगर आप करेक्शन करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज में अगर आपने कोई करेक्शन किया, मान लो आपने जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐड किया, घटाया, हटाया, जो भी है, तो आप उसको क्या करिए, आप जो भी यहाँ पे सारा करते हैं उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जरूर क्लिक करना। जैसे मैं कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को इसमें कुछ करना ही नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस कि किसका अप्लीकेशन फॉर्म है, सॉरी फॉर दिस कि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था तो मैं बाहर से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट जो है अब एक क्वेश्चन ये था कि भैया जो है मेरे को अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना है, तो वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो कुछ डिटेल आ रही है, जैसे कैंडिडेट का नेम आप चेंज नहीं कर सकते, डीओ भी नहीं चेंज कर सकते, जेंडर नहीं चेंज कर सकते, फादर्स नेम चेंज कर सकते हो, मदर्स नेम चेंज कर सकते हो, गार्डियन का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। नीचे अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो है आप ये 3 ऑप्शन छोड़ के सारे सब कुछ चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है आप नीचे जाके चेंज करिए। अगर मैं बात करूँ आपको, अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है तो उसके लिए देखते हैं क्या सारा सीन है, ठीक है। तो यार मैं हूँ अब जो है जो भी है कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एड्रेस है, आपकी लोकेलिटी है, आपका स्टेट है, पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। सर आप ये जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पा रहे, बेसिकली आप जो अपना मोबाइल नंबर जो कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर किया था वो भी आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और आप ईमेल आईडी भी चेंज नहीं कर पा रहे, तो अब इसका क्या सोल्यूशन होगा भैया, हम ईमेल आईडी कैसे चेंज करें। सर ईमेल आईडी जैसे आपने इसमें लगा दी, इट्स ओके, इसका कोई वैसे ताल्लुक है नहीं, जैसे आप काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे आपको एनटीए स्कोर देता है, फिर जो हम जाएंगे हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेंगे, तो वहाँ पे जो है हम अपना ईमेल आईडी जो है चेंज कर लेंगे, मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे, और बेसिकली एनटीए तो जो है आपको एडमिट कार्ड देगा और आपको स्कोर देगा, बस आपको जो है स्कोर लेके यूनिवर्सिटी के पास जाना, यूनिवर्सिटी के पास आपकी ऑलरेडी डिटेल होगी सम्राट पोर्टल से, वो ले लेगा डायरेक्टली। तो जो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपनी जो है डिटेल फेच करनी है वहाँ पे कि मैं आ चुका हूँ, मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मेरी जो है प्रतिज्ञा स्वीकार करिए भगवान। तो इस प्रकार से ये सारा सीन होने वाला है, और आई होप आपको ये जो हेल्प करेगा बहुत ही ज्यादा, और मैंने आई थिंक आपकी सारी की सारी क्वारीज सोल्व कर दी है। एक एक जो 3 क्वारीज बेसिकली इंपॉर्टेंट थी, एक तो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो तो कि मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, काउंसलिंग के टाइम पे चेंज कर लेंगे हम लोग। दूसरा ऑप्शन था टेस्ट पेपर कोड का, टेस्ट पेपर कोड जो है आप चेंज कर सकते हैं, मैंने सारा का सारा प्रोसेस बता दिया आपको, जैसा कि आपको यहाँ पे जाना है जस्ट टेस्ट पेपर कोड के लिए, आप जो है यहाँ पे जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको जो यूनिवर्सिटियाँ ऐड करनी है, घटानी है, तो जस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके,
और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड अदर का आपका सॉल्यूशन हो चुका है।